जगन्नाथ टेम्पल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शहर के किसी भी साइड से चक्र को देखो तो वह हमेशा आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ रहता है। झंडा हवा के उल्टे साइड लहराता है। मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं आती। इसके साथ साथ और कई ऐसे मिस्ट्रीज है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और एक प्रचलित मिस्ट्री यह भी है कि इस टेम्पल का कोई शेडो नहीं होता, मतलब जो ये टेम्पल है इस पर जब धूप पड़ती है तो इसका कोई शेडो ही नहीं बनता है। यह पता नहीं कौन सा इंजीनियरिंग का मार्बल है या फिर क्या टेक्नोलॉजी या कोई एंशियंट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या सीक्रेट यूज हुए हैं किसी को नहीं पता है। और एक बहुत ही स्ट्रेंज बात यह है कि इस मंदिर के टॉप पर हर रोज एक पंडित ऊपर चढ़ता है जो कि 45 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इतने हाइट पर चढ़ता है और वो जो फ्लैग है उसको बदलता है। ऐसा माना जाता है कि हर रोज उस फ्लैग को बदलना जरूरी है और ये प्रथा लास्ट 1800 सालों से चलती आ रही है। अगर पंडित एक दिन भी फ्लैग को बदलना भूल जाता है तो अगले 18 सालों के लिए मंदिर बंद हो जाएगा, ये वहाँ पर माना जाता है। और एक फैक्ट ये भी है कि इस मंदिर में 2000 से लेकर 20000 तक डेली बेसिस पर लोग विजिट करते हैं, बट जो इसका प्रसाद होता है वो अमेजिंगली इतनी ही मात्रा में बनता है कि एक बूंद प्रसाद भी वेस्ट नहीं जाता। और एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ वहाँ पर रोज होती है, प्रसाद अंदर पहले से ही बन रहा होता है, बट फूड वेस्टेज की बात करें तो एक बूंद भी फूड वेस्ट नहीं होता है। और एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए 7 पॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 7 पॉट्स एक के ऊपर एक रखे रहते हैं और नीचे आग जल रही होती है। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर का पॉट बनकर तैयार होता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आग के नज़दीक वाला पॉट यानी कि सबसे नीचे वाला पॉट बनकर तैयार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ पर सबसे पहले ऊपर का पॉट बनकर तैयार होता है। ये बहुत ही अमेजिंग है। जगन्नाथपुरी के ऐसे बहुत से राज हैं जो कि आज भी अनसुलझे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।